इधर मिजोरम की राजधानी आइजोल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पेट्रोल ले जा रहा एक टैंकर आग की भीषण रेप्टों में गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग पूरी तरह झुलस गए। लेकिन टैंकर से निकलने वाली आग की भीषण लपटों ने आसपास के लोगों को दहला कर रख दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें रात के वक्त बीच सड़क पर पेट्रोल का एक टैंकर आग की भयानक लपटों में घिरा नजर आया। टैंकर से आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती दिखी, या यूं कहें कि टैंकर से आग का बवंडर उठता दिखा। काले धुएं के गुबार ने तो पूरे इलाके को ही ढक लिया। घटना की जानकारी मिलते ही वहां फौरन फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। आग पर काबू पाने के लिए पाइप से पानी की बौछार शुरू की गई, लेकिन आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि उसे बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। बताया गया कि आग की चपेट में आने से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मुंबई के चेंबूर इलाके से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जहां एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बेकाबू कार की मोटरसाइकिल से जोरदार भिड़ंत होती नजर आई। भिड़ंत के बाद मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए, वहीं मोटरसाइकिल सवार दूर जा गिरा। हादसे की तस्वीर 27 अक्टूबर की है। वीडियो में दिख रहा है कि एक मोटरसाइकिल सवार सड़क पर जा रहा है और तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उससे जोरदार टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद मोटरसाइकिल सवार गिर पड़ा और वहीं मोटरसाइकिल घूमने लगी, और इसके बाद भी कार सवार रुकता नहीं बल्कि फरार हो जाता है। मामले की जानकारी मिलने के बाद घायल आदमी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद आदमी कोमा में चला गया और पुलिस ने कार सवार की तलाश शुरू कर दी है।